हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारी और आपके चैनल टेक्निकल तुषार में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो या फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्निकल तुषार एक बार रेड कलर सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद बेल आइकन उसको भी दबा दें जिससे हमें जो भी न्यू वीडियो आए तो थोड़े सबको मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज पूरा देखें फ्रेंड, जैसे मैं आपको आज एक तो यही फाइल देने वाला हूँ और फ्रेंड्स एक गिव अवे रखा है मैंने अपने चैनल पे, तो फ्रेंड्स आपको उस गिव अवे के बारे में जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गिव अवे में आपको क्या करना होगा। तो गिव अवे में आपको हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के टाइटल में छोटा सा तीर का अंदर आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। गिव अवे के नाम से लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है। गिव अवे के नाम पर एक लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी अपने ब्राउजर पर चले जाओगे। तो फ्रेंड ब्राउजर में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का लोड हो जाएगा पेज। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितनी एंट्रीज हो जाएगी। फ्रेंड यहाँ पे टोटल 14 एंट्रीज हुई हैं अभी ओनली। तो फ्रेंड यहाँ पे आप अपनी भी एंट्रीज कर सकते हो। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज करनी है आपको, आप जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी उतनी ज़्यादा आपको पेटीएम कैश का कमाने का मौका मिलेगा, जीतने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको किसी दो जने को 500 रुपये का पेटीएम कैश देने वाला हूँ। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे तो टेक्निकल तो सारा काम जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। तो आपको यहाँ पे 10 एंट्री मिलेंगी। और दूसरा चैनल है, दूसरा है व्हाट्सअप वीडियो, तो आपको ये व्हाट्सअप वीडियो देखनी होगी। ऑलरेडी 30 सेकंड की वीडियो है, आपको ये देखनी होगी। और यहाँ पे आपको 4 एंट्री मिलेंगी और रेफर फ्रेंड फोन 4 एक्स्ट्रा एंट्रीज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक अपनी लिंक जो आपकी लिंक होगी वो जनरेट हो जाएगी। तो आपको इस लिंक को कॉपी करना है, इसको पूरी को कॉपी करना है और अपने फ्रेंड्स को इससे इनवाइट करने के लिए बोलना है, इनवाइट करने के लिए रजिस्टर करने के लिए बोलना है। तो फ्रेंड आपको यहाँ से अलग से जो 10 एंट्रीज हैं, 10 करके पर फ्रेंड की एंट्रीज आपको मिलती जाएंगी। और फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दूसरा है स्टेटस क्लब, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो 10 एंट्रीज एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो फ्रेंड इसमें एक बात और है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या स्टेटस के आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और 10 एंट्रीज मिलेंगी आपको, तो फिर जैसे आप अनसब्सक्राइब करोगे तो आपकी जो एंट्रीज हैं गलत एक्टिविटी में चली जाएंगी, तो आपको वो जुड़ेंगी नहीं। जो 26 हमारे 26 जनवरी को यहाँ पे गिव अवे का रिजल्ट आएगा 26 तारीख को। तो फ्रेंड जब आपको जब जो आपकी एंट्रीज जुड़ी जाएंगी तो उसमें से वो कट हो जाएंगी। तो ठीक है, आपको अनसब्सक्राइब नहीं करना। 26 जो 26 तारीख तक यहाँ पे आपको रहना ही रहना है यूट्यूब ग्रुप में, सॉरी चैनल पे। फ्रेंड इस गिव अवे में बस इतना ही। फ्रेंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन ले जाना, वहाँ से आपने लिंक पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड दूसरी है कैश कैश, तो मैं इसकी आई फाइल भी देने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आई फाइल और प्लस डेमो ऐप का डेमो भी मिल जाएगा। तो आपको इसको यूज कैसे करना है वो आपको डेमो दिखा दूंगा वैसे मैं, लेकिन इस पर भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा टिक का आइकन आ चुका है और यहाँ पे कुछ नहीं बोलना, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे अपना नंबर डाल देना जो आपका बैच नंबर हो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो कोई सा भी नंबर डाल देता हूँ अपने यहाँ पे, तो ये मेरा नंबर नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे रेफर कोड डाल देता हूँ मैं कुछ भी, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्रेडिट पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे इधर तो टिक का मार्क आ गया है, लेकिन इधर कुछ नहीं आया, इधर कट आ गया। तो इधर दोबारा से हम जो बैड रेफर कोड है वो डाल देते हैं। तो मेरा वैलिड रेफर कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला नंबर है वैलिड रेफर कोड में। तो ये नंबर है 9058993190। तो आपको ये वैलिड ऐप जो वैलिड नंबर है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्रेडिट पुलिस पे क्लिक कर देते हैं, तो नीचे लिखा आ गया सागर और यहाँ पर टिक्का मार्क आ गया, लेकिन यहाँ पे लिखा रहा सिलेक्ट योर अवतार। तो अवतार में आपको सिलेक्ट यूजर इमेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ का भी एक फ़ोटो पिक यहाँ पर लगा देना और क्रेडिट पुलिस पे क्लिक कर देना। तो क्रेडिट पुलिस पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने लिखा जाएगा आपका यूजर नेम, हेलो आपका यूजर नेम आ जाएगा, जैसे कि मेरा था हेलो सागर। या पर लिखा जाएगा योर रेफर कोड, तो मेरा रेफर कोड आ रहा है 99979635870 7। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रेडिम पॉइंट पॉलिसी, और यहाँ पे आपको 100 पॉइंट के 5 रुपये, 200 पॉइंट के 12 रुपये और 300 पॉइंट के 30 रुपये। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो हैप्पी बिल्डर में जाके। gold.happybuilder.com की ये AI फाइल है, तो आप वहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको होम टास्क नोटिफिकेशन वॉलेट शेयर एंड रन और कॉन्टैक्ट यूज का आइकन मिल जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि वॉलेट में जाते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको
अपने हिसाब से फ्रीचार्ज पेटीएम जो आप करना चाहो वो कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना ऐड कम करना चाहो तो ऐड भी कम कर सकते हो, और जब बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो हैप्पी बुलेट से। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टास्क में जाना है। टास्क में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक तो अर्न फ्रॉम क्लिकिंग ऑन एड्स, और दूसरा मिलता है अर्न फ्रॉम वॉचिंग एड्स। सो वॉचिंग एड का मतलब ये है कि घंटों में से दिमाग मारना, क्योंकि कब जब भी हमारे जो वीडियो एड है वो शो नहीं होते। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्न फ्रॉम क्लिकिंग एड्स पे ही ध्यान देना। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अर्न फ्रॉम वो क्लिकिंग एड्स में क्या आता है। तो देखो यहाँ पे आपको 30 इंप्रेशन मिल जाते हैं, एक क्लिक मिल जाता है, तो आप इस हिसाब से अपनी टास्क को पूरा कर सकते हो। फ्रेंड ये सब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है हमारी, तो फ्रेंड दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसमें AI फाइल में अपना फायरबेज अकाउंट डाल दो तो आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो फायरबेज में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो भी आप किसी भी ब्राउजर में जो आपका पफिंग ब्राउज या क्रोम ब्राउज किसी में भी चलाते हो अपना फायरबेज, सबसे पहले तो आपको वो ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे लोड होने देता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पहले से एक प्रोजेक्ट बना रखा है, आप अपना न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप अपना न्यू प्रोजेक्ट बना लीजिए फायरबेज में। जब आप प्रोजेक्ट बना लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको रूल्स में जाना है। तो आप रूल्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो नोड लिखा आएगा NUL, तो आपको यहाँ पे NUL लिखा आएगा जो नोड प्रूव की जगह। तो आपको करना क्या है, सिंपली इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद ये जो भी लिख रहा है इसको सबको कट कर देना, आपको सिर्फ इतना कट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ट्रू कर देना है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको ट्रू, ठीक है। ये सब कट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रू कर देना है। ट्रू करने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ पब्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा गया रूल्स पब्लिक। तो आपको डाटा में जाना है, तो डाटा में जाने के बाद देखो यहाँ पे, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको डालना है अपना रेफरल, रेफरल डालना आपको कैपिटल में रेफरल, ठीक है। रेफरल डालने के बाद आपको यहाँ पे एक और प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डालना अपना मोबाइल नंबर, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे अपना वैल्यू, वैल्यू में आपको डालना अपना यूजर नेम। तो मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ अपना सागर, ठीक है सागर। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली करना है ऐड। तो ये हमारा हो चुका है। अब जब हम पहली बार हमारी एप्लीकेशन बन के तैयार होगी तो हमें यहाँ पे अपना जो रेफर कोड मांगा जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी रेफर कोड डालो सब अनवैलिड बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको बस रेफर कोड डालना है ये वाला, ठीक है 70 वाला। तो फिर उसके बाद आप रजिस्टर कर लोगे दूसरे मोबाइल नंबर से, तो फिर वो आपका रेफर कोड हो जाएगा। फिर इस तरह से चलता जाएगा रेफर कोड, लेकिन शुरू शुरू में आपको रेफर कोड जब आप ऐप बना लोगे और आपको इस तरह से इसको पूरा करना है, पूरा करने के बाद आपको ये वाला आपको